पीक ये वाला एरिया है जो थोड़ा सा बोले सिस्ट तो नहीं लग रहा। हाँ जी, ओहो हाँ जी ब्रो, आर यू बैक? बैक का तो पता नहीं, बट हाँ आज मैं थोड़ा खुश हूँ, तो मैंने सोचा कि लाइट शाइट लगा के कैमरे के आगे वीडियो बनाया जाए। अब आप पूछोगे खुश क्यों हो, तो ये जानने के लिए हम खुश क्यों हैं आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। आई नो, ओल्ड टाइम्स ओल्ड टाइम्स, इतना एक्सपेक्टेशन मत करो अभी। बट हाँ भाई, आज के दिन की कहानी है, छोटी सी है पर प्यारी सी है, तो वो आपको सुनानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज एक्चुअली सुबह जब मैं उठा तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि आज मक्कू का अल्ट्रासाउंड होना था। और पहले तो मैं इसलिए टेंशन में था कि अल्ट्रासाउंड होगा या नहीं होएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वेटनरी हॉस्पिटल नहीं है अल्ट्रासाउंड वाला कोई, तो हमें इंसानों के हॉस्पिटल में जाना है जहाँ पे अभी रेगुलेशंस वगैरह बहुत स्ट्रिक्ट चल रही है। भाई हॉस्पिटल के अंदर अगर आप मरीज़ नहीं हो तो आप घुस तक नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा सेफ्टी और स्ट्रिक्टनेस बनाई हुई है डॉक्टर्स ने। और ऐसे में मक्कू का अल्ट्रासाउंड कराना, तो मैं थोड़ा सा टेंशन में था। हालांकि जिस हॉस्पिटल में मक्कू का अल्ट्रासाउंड होना है, वो जो डॉक्टर हैं, जो ओनर हैं वहाँ के, ही इज़ माई फ्रेंड, डी गुड फ्रेंड। और जो हॉस्पिटल है वो भी आपके भाई ने डिज़ाइन किया है, तो ऑब्वियसली मतलब ये तो घर की बात है, बट स्टिल यार वो काम कर रहे हैं, सर्जन है, तो उनको डिस्टर्ब करना ऐसे इतना सही भी तो नहीं लगता ना। तो मैं कल गया था परमिशन मांगने के लिए उनसे, और उन्होंने कहा था आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। और आज हमें मक्कू को लेके जाना है। अब सुबह से मैं टेंशन में किस बात की था कि पता नहीं क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, होता है ना यार, आप सोचते हो, मैं तो सोचता हूँ यार क्या करूँ, आदत है। तो अब जब तक अल्ट्रासाउंड होता नहीं, हमें चैन पड़ता नहीं, और हम बस वेट कर रहे थे कि सडनली फ़ोन आया कि आ जाओ मक्कू को लेके आ जाओ। तो अभी हम फाइनली जा रहे हैं मक्कू के अल्ट्रासाउंड के लिए, एंड आज सुबह से हम वेट कर रहे थे कि कब हमें डॉक्टर बुलाएंगे। एक्चुअली जैसे मैंने कल आपको बताया था वीडियो में कि ये जो अल्ट्रासाउंड होना है ना, ये इंसानों के हॉस्पिटल में होना है, यहाँ पे वेटनरी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। और हम लोग इतना दूर रहते हैं ना पिथौरागढ़ में, यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बड़ी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे इंसानों का ही अल्ट्रासाउंड होना मुश्किल हो जाता है। तो फॉर्चुनेटली मैक्स का हो रहा है, तो मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं मतलब सुबह से आई वॉज वेटिंग। एक्चुअली जो डॉक्टर हैं वो मेरे फ्रेंड भी हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैंने कहा कि आप तभी बुलाना जब बहुत ही कम लोग होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हॉस्पिटल है वहाँ पे कोविड पेशेंट भी आते ही हैं, चाहे एसिम्प्टोमेटिक हो, तो वो रिस्क भी हम लोग लेना नहीं चाह रहे। तो अभी उन्होंने हमें बुलाया है, अभी 3 बज रहे हैं दिन के, एंड आई गेस वहाँ पे ना अभी लंच ब्रेक हो रहा हो, तो अभी जाना हमारे लिए सबसे सेफ है। और बस एक बार मक्कू का अल्ट्रासाउंड हो जाए, रिपोर्ट आ जाए, फिर रिपोर्ट हम डॉक्टर से शेयर करते हैं। फिंगर्स क्रॉस, मतलब मेरे दिल में धक-धक भी हो रही है, क्या आएगा, बस फिंगर्स क्रॉस कि वो जो सिस्ट है वो छोटा हो गया हो। और अगर वो छोटा हो गया होगा तो फिर हम 10 दिन में मक्कू की सर्जरी करा सकते हैं, और फाइनली मक्कू जो ये पूरी परेशानी से गुजर रहा है ना, ये परेशानी उसकी सॉल्व हो जाएगी। और ऐसा अगर मान लीजिए सिस्ट छोटा नहीं हुआ है, तो फिर हमें अगेन पता नहीं कौन सा मेडिकेशन या कैसा ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम ये है कि ट्रीटमेंट का इशू नहीं है दोस्तों, मक्कू को ना प्रॉब्लम होती है जब भी वो यूरिन करता है, पास करता है या पॉटी करता है, तो उसको पेन होता है, मैक्स को उसको तकलीफ होती है। तो मेरे को ये चाहिए कि जल्दी जल्दी ये तकलीफ इससे दूर हो जाए, और वो सर्जरी से ही होनी है, तो और उसके लिए उस सिस्ट का छोटा होना बहुत ज़रूरी है। फिंगर्स क्रॉस गाइस, बस अब जा रहे हैं एंड अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। मैक्स कहाँ गए पापा? पापा कहाँ गए? पापा अंदर गए ना? A few moments later. मुंह बाद यार काट लेगा? नहीं नहीं काटेगा। पक्का? पक्का पक्का। चल ये मेरे फ्रेंड डॉक्टर हैं। यार नॉन नॉन
तो इसको थोड़ी देर कंफर्टेबल होने दे। मैक्स 7 इयर्स मेल बस थोड़ा ना इधर जा ना इधर ये वाला एरिया है जो थोड़ा सा मुझे सिस्ट तो नहीं लग रहा यहीं पे रहते हैं यहाँ पर भी लगाया ना बहुत बड़ा तो कुछ नहीं है एक छोटा सा कलेक्शन तो है इसमें आई डोंट नो दिस इज ना इतना सही दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है इनसिग्निफिकेंट होता ना इनसिग्निफिकेंट है बड़ा तो कुछ भी नहीं है तो दोस्तों आप सोच रहे होगे रिपोर्ट में क्या आया रिपोर्ट में ये आया कि मक्कू का जो सिस्ट था वो अब गायब और तभी मैं एक्चुअली इतना खुश हूँ मेरे से मेरी खुशी छुपाई नहीं छुप रही है वो सिस्ट को लेकर ना मैं बहुत घबराया हुआ था क्योंकि उस सिस्ट के काफ़ी सारे रिपरकशंस थे बहुत चीज़ें ख़राब हो सकती थी एंड नाउ दैट इट्स गॉन तो एक बहुत बड़ी टेंशन हमारे दिमाग से ख़त्म हो गई है अब बस मक्कू की हमने सर्जरी करनी है सीधे सीधे और मक्कू के टेस्टिकल्स को बाहर निकालना है उसकी बॉडी से एंड देन उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा अभी जो सर्जरी होगी ना वो भी इतनी आसान नहीं है वो थोड़ी टिपिकल सर्जरी होगी बट अब टेंशन ना है अब टेंशन नहीं है उस समय पे मतलब जब ये मेरे को देख रहा था ना आई वॉज ग्रेटफुल मैन मेरे को भगवान भी याद आ गया सब मेरे को लगा सब बढ़िया है एंड आई वॉज ऑल्सो ग्रेटफुल टू मयंक कि उसने ये करा और क्योंकि मयंक ने इतनी हेल्प करी है तो एक छोटा सा शाउट आउट मैं देना चाहता हूँ उसके हॉस्पिटल को दोस्तों मयंक की जो स्टोरी है ना बहुत बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है ठीक है वो भी कभी सुनाऊंगा आपको आराम से मेरे दोस्त है इसलिए नहीं बैठा मतलब ही इज़ द वन जिसको देख के मैं खुद इंस्पायर होता हूँ वेरी हार्ड वर्किंग सर्जन अमेजिंग लाखों रुपयों के जॉब पोर्टफोलियो उसके भाई के पास छोड़ के पिथौरगढ़ आया अपने शहर पे अपने शहर के लिए काम करने के लिए हॉस्पिटल डिज़ाइन किया सारी सेविंग अपनी ज़िंदगी भर की सारी कमाई लगा दी उसमें एंड जो हॉस्पिटल है वो इतना अमेजिंग है दोस्तों पिथौरागढ़ में क्या सीन होता था पता है पिथौरागढ़ में जब कोई थोड़ा सा भी सीवियरली बीमार पड़ता था तो यहाँ के डॉक्टर्स उसे बाहर रेफर कर देते थे बाहर बोले तो पिथौरागढ़ से दूर को मेट्रो सिटी पे यहाँ से क्लोजेस्ट मेट्रो सिटी है हल्द्वानी विच इज़ 7 आवर्स अवे वो आपने देख ही लिया मेरे वीडियोस में कितना दूर है 7 घंटे में ना आदमी निपट भी लेता है तो कई बार ऐसा हुआ है कि रास्ते में आदमी की डेथ हो गई कई बार गया बहुत सारी बार और यहाँ पे ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि इमरजेंसी में आप कर पाए तो यही मयंक का विजन था उसने बोला कि भाई सबसे पहले इतना कैपेबल बनाना है अपने हॉस्पिटल को कि अगर कोई ऐसी डायर सिचुएशन में हमारे पास आए तो उसको हम स्टेबल कर सकें एंड देन बहुत लंबी कहानियाँ आपको सुनाऊंगा बट इस पूरे हॉस्पिटल के डिज़ाइन में एक पार्ट है जो बहुत ही स्पेशल है और जो बहुत ही कम लोग देखते हैं जो कि है यहाँ का ओटी सेक्शन दोस्तों ये जो ओटी सेक्शन है ना ये किसी भी मेट्रो सिटी से अगर आप कंपेयर करोगे मैं बोल क्यों रहा हूँ मैं दिखाता हूँ ना आपको आ जाओ सो दिस इज द ऑपरेशन थिएटर एंड जूते उतार लेता हूँ एंड पिथौरागढ़ में गाइस ऐसी फैसिलिटी ना होना अपने आप में मतलब इट्स अ बिग थिंग एक्चुअली जब हम आए थे ना तो सर्जरी चल ही रही थी तो इसलिए वे वेटिंग बस वो ख़त्म आ जाए ओके थैंक यू जी सो गाइज ये हमारा ओटी कॉम्प्लेक्स है एंड हमने इसे बड़े मज़ेदार तरीके से बनाया सो ये जो ओटी है बेसिकली यहाँ पे बच्चे वगैरह पैदा होते हैं पिथौरागढ़ के सारे तो इसलिए हमने इसे पिंक कलर का बनाया ये कैमरा थोड़ा सा इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू इट फ़ोन का कैमरा है एंड लुक्स वेरी क्यूट एंड दिस इज़ द मेन ओटी गाइज ब्यूटिफुल देखो है ना अमेजिंग स्टेट ऑफ द आर्ट एंड आप लोग सोच रहे हो कि मैं क्यों दिखा रहा हूँ वाई इज़ इट सो स्पेशल बताता हूँ आपको सो जो डॉक्टर मयंक है वो एक्चुअली सर्जन है और जब हम ये डिज़ाइन कर रहे थे तो उनको था भाई ओटी तो मेरे को ना बेस्ट चाहिए मतलब ऐसी ओटी चाहिए कि उसको अगर हम दिल्ली से कंपेयर करें किसी अच्छे हॉस्पिटल से तो 19-20 में वो 20 होनी चाहिए 19 नहीं होनी चाहिए
एंड फिर हमने बहुत टाइम लगाया, काफ़ी सारे लोगों को ढूंढा, काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट लोग हम लाए एंड उसके बाद ही ओटी हमने बनाई है। एंड ऑब्वियसली ओटी ना फंक्शनल चीज़ है, तो दिखने में आपको ज़्यादा चीज़ पता नहीं लगेगी, बट एवरीथिंग हियर इज कटिंग एज। तो दोस्तों ये सब चीज़ें ना देख के इतना अंदाज़ा नहीं आता, बट मैं आपको बता रहा हूँ जो टेक्नोलॉजी उस ओटी में सेक्शन में है ना, वो जो ऑपरेशन थिएटर में जो चीज़ें यूज हुई, जो मशीन्स हैं, जो लाइट्स हैं, मतलब ये मान लो कि डॉक्टर की दुनिया की सबसे कटिंग एज कंपनी होती है टेस्ला। टेस्ला डॉक्टर्स का टेस्ला है वो, ये मान लो आप, इतना क्रेजी है। और वैसी चीज़ पिथौरागढ़ में होना अपने आप बहुत अमेजिंग है। तो दोस्तों अगर आप पिथौरागढ़ से हो, देखो ये कोई प्रमोशन वमोशन नहीं कर रहा हूँ, मेरा दोस्त है मैंक, मेरा भाई है, और ये हॉस्पिटल जो है अपन ने बनाया, तो मुझे पता है कैसे बनाया, कितनी मेहनत से बनाया, क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसमें। तो कभी अगर ऐसी कोई सिचुएशन में आप हो तो डेफिनेटली आप डॉक्टर मयंक को दिखाइएगा, कैसी भी प्रॉब्लम हो आपको, कैसी भी, ही इज़ अमेजिंग डॉक्टर। और आप बता देना दिव्य वीडियो शीट, थोड़ा मेरा भी अच्छा लगेगा, मेरे को बोल देना वीडियो देख के तो अच्छा लगेगा उसको भी। तो ठीक है दोस्तों, आज तो मज़ा आ गया, बहुत खुशी का दिन है एंड आपको मेरी स्माइल देख के भी लग रहा होगा। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, इसको तो करो, इसको तो लाइक करना बनता है, कर दो कर दो, आज दिखा दो गाइस, आज कर दो, इस वीडियो को तो बनता है लाइक करना। और कमेंट सेक्शन में आपका प्यार दीजिएगा, मैं ना आपके मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा हूँ अब, ठीक है, इम्पॉसिबल हो गया है, तो मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूँ सारे सारे, और हार्ट भी देता हूँ सब, देख रहे हो ना आजकल, देख रहे हो ना आप लोग, मेहनत लगती है भाई, सब पढ़ रहा हूँ सारे। तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ब्यूटीफुल सा छोटा सा प्यारा सा अकाउंट है हमारा इंस्टाग्राम पे। एंड ओवर एंड आउट करें आज, कर दें, चल ठीक है। सो गाइज ऑन दिस नोट, ऑन दिस हैप्पी नोट, द हिमालयन स्की ओवर एंड आउट। और सुनो एक बात जो मतलब बहुत दिनों से कहनी रह गई थी आपसे, कि आपका भाई प्यार करता है आपसे। ओके बाय।